पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में आईपीसी के सेक्शन 309 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। आईपीसी का सेक्शन 309 अटेम्प्ट टू सुसाइड किससे संबंधित है, और इसमें जो व्यक्ति अगर सुसाइड करने की कोशिश करता है और वो उस अटेम्प्ट में सक्सेसफुल नहीं हो पाता या उसके लिए तैयारी करता है, तो उसके लिए जो है पुनिशमेंट की व्यवस्था उसमें दी गई है और ये एक ऑफेंस है। इसी को चैलेंज किया गया था रतिनाम के केस में। और इस केस में ये हुआ था कि एक्चुअल में महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने एक केस में, मारुति दुब्बल का केस है, उसमें सेक्शन 309 को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। उसमें अपील में महाराष्ट्र आया था, फिर ये इधर से पी रतिनाम का केस भी जो पिटीशन थी और एक दो और पिटीशन थी वो सुप्रीम कोर्ट में जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने डिसाइड की। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आईपीसी का सेक्शन 309 है वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल जो 21 का वॉयलेशन करता है, क्योंकि जो व्यक्ति अगर सुसाइड करने की कोशिश करता है और उस अटेम्प्ट में वो फेल हो जाता है तो उसके बाद उसको जो है पेनल पनिशमेंट दे करके उसको उसके बाद दोबारा से हरास किया जा रहा है, उसको सोसाइटी में भी एक तरह से उसका तिरस्कार हो रहा है। तो उसमें एक आ गया कि जो सुसाइड है इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो सोसाइटी के लिए हानिकारक हो या वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो तो या मोरलिटी के अगेंस्ट हो, उस टाइप से कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आईपीसी का सेक्शन 309 है ये आर्टिकल 21 का वॉयलेशन करता है और इसके चलते ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये डिसीजन 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया। हालांकि इसके दो साल बाद ही इस जो केस को और जो है रिवर्स कर दिया गया था बाद के केस में, उस केस के बारे में